सारे के सारे दिए बुझ गए, गुप अंधेरे में हाथ को हाथ नहीं दिखाई दे रहा, भला नक्शा कैसे दिखेगा? लगता है किस्मत ने जैसे ठान ली है साथ ना देने की। साई, मैं मशाल फिर से जला देता हूं। रुको भीवा, ये जुगनू है ना, ईश्वर ने इसे रोशनी करने की शक्ति जो दी है, ये हमारी मदद करेगा। एक जुगनू से कितनी रोशनी होगी साईं? क्या इस जगह को रोशन करने में तुम हमारी मदद करोगे? ये भी भाग गए। साई, अब तो मशाल जलानी ही पड़ेगी। भीवा, मशाल जला। रुको, जरा उधर देखो। देखा सभी ने, ये जुगनू इतने छोटे हैं कि अकेले अपने दम पर किसी को रास्ता नहीं दिखा सकते, लेकिन जब इन्होंने एक होकर कोशिश की तो पूरी द्वारका माई को रोशन कर दिया। अगर इतने छोटे जीव ये कर सकते हैं तो हम सड़क क्यों नहीं बना सकते? तापस बेश विशेष उदासी, 14 बरिस राम वनवासी, सुन मृदु बचन भूप ही सोंपू, सस कर छुअत बिकल जिमि कोकू। क्या हुआ? इस चौपाई में कई राम को वनवास भेजने का वचन मांग रही हूं। साईं, लोग आज भी कैकेयी से सबसे ज्यादा नफरत करते हैं। निसंदेह कैकेयी का यह निर्णय गलत था, परंतु वो दुष्ट प्रवृत्ति की नहीं थी, उन्हें अपने इस निर्णय पर पछतावा था और उन्होंने इसके लिए पश्चाताप भी किया, परंतु लोग आज भी उनसे उतनी ही नफरत करते हैं। साईं, क्या यह सही है? इंसान की एक गलती क्या इतनी बड़ी हो जाती है कि उसकी सारी अच्छाइयों को ढक देती है? क्या वो अपनी उस गलती को कभी सुधारने योग्य नहीं रह जाता? भीर, तुमने ये तो कह दिया
कि लोग कैके माँ के बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन उस हस्ती के बारे में भूल गए जो इस सब के बावजूद कैके माँ से प्यार करते थे। उन्होंने कभी उनसे कोई पैर नहीं रखा। वो हस्ती पता है, रामजी थे। रामजी तो ईश्वर का अवतार है और ईश्वर व्यक्ति को समग्र रूप से देखता है, उसकी वास्तविकता को देखता है कि हकीकत में उस व्यक्ति का चरित्र क्या है। ग्रहण से तो चांद और सूरज भी अछूते नहीं है, तो इंसान की क्या मिसाल। कर्म के पीछे की मंशा क्या है, यह महत्वपूर्ण है। इसलिए जहां रावण को मृत्युदंड मिला, वहीं कैकेयी को माफी और प्यार। साईं, आपकी ये बात मैं याद रखूंगा। एक बात और याद रखना थी, एक गलती इंसान के भाग्य का फैसला नहीं करती है, ना ही उस गलती से ईश्वर हमसे नाराज होते हैं। अक्सर गलती करने के बाद हम उसमें छिपी सीख को नहीं देखते, बस अपनी गलती को सुधारने का दूसरा मौका मांगते हैं। लेकिन उस दूसरे मौके में परीक्षा भी छिपी होती है, लालच, मुश्किलों आदि के रूप में। उस परीक्षा के दौरान हम कैसा प्रदर्शन करते हैं, वो तय करता है कि हम सफल होंगे या नहीं। धीर, हो सकता है तुम्हें भी ऐसी परीक्षा देनी पड़े, और अगर ऐसा होता है तो वही करना जिसमें सबका भला हो, ना कि सिर्फ तुम्हारा। तेरी महिमा मेरे साई कौन जान पाया। ओम साई ओम। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।